हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सी एस प्रियंका जैन होप यू ऑल आर वेरी वेरी गुड सो टुडे वीडियो इज रिलेटेड टू बेयर एक्ट कि बेयर एक्ट क्या होता है हम इसको बताएंगे और मैं रिव्यू दूंगी बेयर एक्ट का जो मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ तो व्हाट इज़ बेयर एक्ट बेयर एक्ट इज़ खाली एक्ट होता है बेयर एक्ट इज एग्जैक्ट टेक्स्ट इन विच लेजिस्लेचर पास द लॉ मीन्स लॉ कौन बनाता है लॉ बनाता है पार्लियामेंट देन उसको ऑफिशियल गैजेट में कहाँ किया जाता है पब्लिश किया जाता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रखा है दिस इज अ ऑफिशियल गेजेट उसमें पब्लिश किया जाता है और उसको जो का त्यो हम किस में डाल देते हैं बेयर एक्ट में बेयर एक्ट में कोई भी ऑथर अपनी एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल नहीं दे सकता अपनी तरफ से नहीं दे सकता और बेयर एक्ट का बेनिफिट क्या है बेर एक्ट से हमें एग्जैक्ट लॉ का पता चलता है कि एग्जैक्ट लॉ क्या है बेयर एक्ट को पढ़ने से स्टूडेंट को ये पता चलता है ट्रेनी को तो फ़ायदा होता ही होता है ट्रेनी को तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट ही पढ़ाते हैं उसको स्टार्टिंग में तो बेयर एक्ट का रिव्यू अब इस सो दिस इज़ माई बेयर एक्ट टैक्स मैन का बेयर एक्ट है ट्वेंटी ट्वेंटी टू का है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन एज अमेंडेड बाई कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ये मेरा कौन सा एडिशन है सेवेंथ एडिशन 2022 का बट अभी एट एडिशन भी आ गया है तो वो आप परचेज कर सकते हैं दिस इज़ बैक बैकलुक ठीक है ये 450 का था बट अब इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं तो आप चेक कर लीजिएगा मैंने अमेजोन से मंगवाया था तो आप उस पर चेक कर लीजिएगा टैक्समैन का जो कंपनीज एक्ट 2013 का ये पॉकेट एडिशन है ये मोस्ट ऑथेंटिकेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो कवरिंग अमेंडमेंट अपडेटेड एंड अनोटेड टैक्स ऑफ कंपनी हैंडी फॉर्मेट दिस इज वेरी हैंडी फॉर्मेट बहुत हैंडी फॉर्मेट में छुटकुसा है ये कंपनीज एक्ट है इसका वेट भी बिल्कुल नॉमिनल सा है जो आप इजिली कैरी कर सकते हैं तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अंदर से ही कैसा है बी ए मीन्स बी आर एक्ट कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन एज अमेंडमेंट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तो इसका जो कंटेंट है अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन दे रखे हैं एनोटेड टैक्स दे रखे हैं इसमें और अपेंडिक्स दे रखे हैं फिर सेकेंड नंबर पे दे रखे हैं गाइड टू कंपनी अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी अब हमारे जो कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शन होते हैं फोर सेवेंटी सेक्शन होते हैं ठीक है और चैप्टर 29 नाइन होते हैं तो इसको चैप्टर के अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया चैप्टर वन चैप्टर टू मींस ट्वेंटी नाइन चैप्टर को फोर सेवेंटी सेक्शंस में डिवाइड किया गया है।, है देखिए इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ताकि अगर आपको कोई भी टॉपिक देखना हो जैसे ये दे रखा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स अगर इसका देखा जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक है आपका वन थर्टी नाइन सेक्शन से वन फोर्टी एट सेक्शन तक तो आपको एक जगह पे सारे सेक्शन मिल जाते हैं और शेड्यूल कितने होते हैं कंपनीज एक्ट में शेड्यूल होते हैं हमारे सेवन जो इन्होंने एंड लास्ट में दे रखे हैं शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री ओके okay? फिर दे रखा है शेड्यूल फोर फाइव सिक्स एंड सेवन और फिर इसके साथ अपेंडिक्स अटैच किया हुआ है देखिए दिस इज द लुक ऊपर सारे सेक्शन आपको गिवन होते हैं ताकि आपको कोई भी सेक्शन एकदम से देखना हो तो आप इसमें से देख सकते हैं मैं तो रेफर करूंगी कि हर एक स्टूडेंट के पास एक ना एक बे एक्ट तो होना ही होना चाहिए ताकि उसे नॉलेज हो कि बे एक्ट होता क्या है क्योंकि आपको जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे और ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो फर्स्ट आपको बे एक्ट तो ही रीड कराते हैं तो आपको बी एक्ट से एग्जैक्ट लो का पता चलता है तो आप इस वाले बेयर एक्ट को रेफ़र कर सकते हैं वैसे अमेजोन पे आपको इसका काफ़ी बड़ा वाला भी मिल जाएगा टैक्स मैन का बेयर एक्ट जो काफ़ी मोटा है थिक है तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं बट मैं इसको ही प्रेफर करूँगी एज ए स्टूडेंट अगर आप हैं तो इसको प्रेफर करिए एक यूनिवर्सल का आता है आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा बट मैंने तो ये टैक्स मैन का ही पढ़ा है तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी If you like my video, please share and subscribe my channel uh, for more updates. Thank you so much. All the best.